हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईटीआई मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामावतार जाट एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज एक और अन्यतर टूल के साथ अपन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बेयरिंग पुलर। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सामने टूल दिखाई दे रहा है उसका नाम है बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर कहाँ काम में आता है या आपने कहीं पर देखा भी होगा। जो ये आपके सामने पार्ट दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर जो मोटर की शाफ्ट होती है उसके ऊपर से बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे घर पे यूज करते समय आपको फैन का बेयरिंग निकालना होता है, लेकिन वो निकलता नहीं है, बेयरिंग आधे रास्ते में ही टूट जाता है। टूटने का कारण क्या होता है कि आपके पास प्रयुक्त औजार नहीं है। औजार कौन सा नहीं है? ये बेयरिंग पुलर नहीं है। ये बेयरिंग पुलर से कैसे अपन बेयरिंग को निकालते हैं, जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक मोटर दिखाता हूं जिसकी शाफ्ट पे लगा बेयरिंग आप कैसे निकाल सकते हैं। रोक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको एक शाफ्ट दिख रही है। अधिकतर मोटर में यही शाफ्ट होती है, इस जगह बेयरिंग लगा हुआ है। हमारे पास थोड़ी सी कमी होने के कारण हम आपको बेयरिंग नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेयरिंग को कैसे निकालते हैं। जो इसकी लेग होती है जिसको अपन टांगे बोलते हैं, सबसे पहले ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इससे इन टांगों को छोटी या बड़ी अपने को करनी है वो अपन कर सकते हैं। इसको घुमा पर इसको हमेशा घुमाना किससे? स्पिनर से ही घुमाना है। जैसा कि यहाँ पे अपन ने लगा दिया, यहाँ जैसे बेयरिंग होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे वापस टाइट करेंगे। हाथ से ये अभी हो रहा है क्योंकि बेयरिंग नहीं है। यदि बेयरिंग होता तो अपने को इसको स्क्रू से टाइट करना होता है। ये बना हुआ किसका रहता है? जो इसकी लेग होती है वो माइल्ड स्टील की बनी हुई रहती है। ये एक अधिकतर क्वेश्चन है, वो आता है कि आप कौन सी धातु का बना हुआ रहता है, तो माइल्ड स्टील का ये बना हुआ रहता है। बेयरिंग पुलर का उपयोग किस में करते हैं? तो बेयरिंग पुलर का उपयोग अपन बेयरिंग को किसी मशीन की शाफ्ट से बेयरिंग को उतारने के लिए बेयरिंग पुलर का अपन उपयोग करते हैं। इसकी साइज क्या होती है? साइज इनकी दोनों टांगों के बीच की दूरी के हिसाब से होती है, जैसे 100 mm, 200 mm, 150 mm, अलग अलग टाइप से छोटे बड़े बेयरिंग पुलर भी अपने को मिलते हैं।